आज अपने जन्मदिन के दिवस पर मैं अपने माता पिता के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, अपनी कुलदेवी माँ अंबिका जी के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, अपने सब गुरुओं के लिए, खासकर अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री स्वामी विवेकानंद जी, श्री सद्गुरु जी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जीवन का महत्व समझाया, मेरे सारे चाहने वाले प्रशंसक, शुभचिंतक, परिवार, दोस्त जो मेरे साथ काम करते हैं, मेरी सहायता करते हैं, जिनकी वजह से मैं आज जो बन पाई हूँ वो सब, और वो भी जो मेरे निंदक हैं, आलोचना करते हैं, मेरे शत्रु हैं, उन्होंने कभी मुझ में आलस नहीं आने दिया, कभी मुझे सफल महसूस नहीं होने दिया, हमेशा ही लड़ना सिखाया और किस तरह से आगे बढ़ते ही रहना है वो सिखाया, मैं उनकी भी सदा धन्यवादी हूँ। उसके साथ ही मैंने हमेशा ही बहुत ही एक सरल, मेरा स्वभाव है, सोच सरल है, आचरण सरल है, तो हमेशा मैं व्यक्तिगत लाभ और हानि से उठकर सबके भविष्य के बारे में जो अच्छा रहे वही उसी तरह का आचरण रखने की कोशिश करती हूँ, और इसके चलते अगर मैंने कुछ कहा हो जिससे किसी को ठेस लगी हो या किसी का मन दुखा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरा जीवन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण है और मेरे दिल में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। जय श्री कृष्ण।